पाँच छः घंटा समय ले लेगा। फिलहाल के लिए नीचे तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन ऊपर जो है बहुत धनी हो सब धन तोहरे नु बाटे। देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम पैडल चलाने का काम कर रहे हैं और सामने से कार्तिक भाई वीडियो बनाने में हेल्प कर रहा है हमारा। और ये सामने देख सकते हैं काफी भयंकर भीड़ है और लोग पाप हरनी नदी में नहा नहा करके और स्नान करके अपना पाप से मुक्त हो रहे हैं। सामने है जो अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीका से ये मंदार हिल यानी कि मंदरांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है इसको, और इसको दिखाया गया है सीमेंटेड का बनाया गया है। और एक तरफ राक्षस जो है कि नाग देवता को खींचने का काम कर रहे हैं और एक तरफ है कि देवता लोग खींच रहे हैं, अभी उसको भी दिखाने का काम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस पापरनी नदी में बोटिंग का मजा ले रहे हैं और इसके बाद निकल कर फिर चलेंगे और फिर दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों ये जो रंग बिरंगे दुकानें जो आप देख रहे हैं ये आपको पाप हरनी नदी के जस्ट ऊपर ही मिल जाएगा। इसमें खिलौने और कॉस्मेटिक के दुकान और पूजा सामग्री के दुकान भी शामिल है और आप यहां से अपने जरूरत की सामान परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं भोजनालय है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड में है और यहाँ आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ 24/7 आवर सुविधा उपलब्ध है। और फाइनली दोस्तों अब आ चुके हैं मंदार पर्वत पर चढ़ने के लिए और देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ी होता है स्टार्ट और हम लोगों को टोटल लगभग हजारों से अधिक सीढ़ी चढ़ना है। और ये मंदार पर्वत की ऊंचाई जो है लगभग 750 फीट है, चढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हम लोग अभी शॉर्टकट रास्ता ले लिए हैं सीढ़ी को छोड़ करके। अभी देख सकते हैं कि अभी हम लोग कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। देखिए और गाइस अभी हम लोग थोड़ा रिस्क ले रहे हैं और देख सकते हैं हम लोग कैसा सीढ़ी है। और आपको अंदाजा लग रहा होगा इस तरीका से भीड़ में चढ़ना जल्दी पॉसिबल नहीं है। चांद न सुनर लागेला। और यहां से देख सकते हैं दोस्तों अब मंदार हिल का बिल्कुल टॉप पॉइंट साफ सुथरा दिखने लगा है और वेदर भी क्लियर हो चुका है और जितना भी कुहासा भरा था वो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग ज़्यादा दूर तो नहीं लेकिन लगभग 30-40% तक चढ़ाई कर चुके हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है नाग फांस और इस तरीका से एक रो बना हुआ है इस मंदार पर्वत के ऊपर में और इसका ये मान्यता है कि इस जब मंदार पर्वत को यूज किया गया था मथनी के रूप में तो इसी जगह से जो है नाग देवता को लपेटा गया था। और सामने देख सकते हैं इस मंदार पर्वत पर बहुत ज़्यादा तीखा चढ़ाई होने के वजह से ये रोप वे का व्यवस्था दिया गया है जिसके माध्यम से आप ऊपर चढ़ सकते हैं और नीचे उतर भी सकते हैं और काफ़ी अच्छा व्यवस्था है दोस्तों।
और देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ, ये सब कुछ छपरी टाइप के लोग हैं जो कि इस सुंदर सा तीर्थ स्थल को बिगाड़ रहे हैं, इसकी सुंदरता को खराब कर रहे हैं। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए, ये सब एक बिल्कुल ही गलत चीज़ है। और दोस्तों, चलते चलते रास्ते में आपको इस तरीका से मनमोहक भगवान की मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगा, जो और देख सकते हैं ये मूर्ति जो है इस मंदार पर्वत को कटिंग करके कारीगरों ने उकेरा है और बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा है दोस्तों। तो आप कमेंट करके बताएं कि ये कौन सा भगवान का मूर्ति है। लगभग दोस्तों अब आधा दूरी तय कर चुके हैं हम लोग इस मंदार पर्वत का, और देख सकते हैं यहाँ से कितना ऊंचाई पर है ये। और देखिए और चढ़ाई करते करते दोस्तों सांस फूल जा रहा है, लेकिन फिर भी चढ़ाई तो करना है। और देखिए लोग भर भर के जा रहे हैं ऊपर, और काफी मजा आने वाला है। तो वीडियो पर आप भी बने रहिएगा। दोस्तों चलते चलते रास्ते में आपको पानी का जरूरत जरूर पड़ेगा, और अभी कि हमने इस सिस्टर के पास पानी लिया है। और ये दीदी है जो कि, क्या नाम बताया आप? खुशबू, बहुत ही प्यारा नाम है। और दुकान में तो आप लेते ही होंगे, लेकिन इस जगह पर जो है कि ये सिस्टर जो है खुद पढ़ाई भी करती है और इस तरीका का अपना खर्चा भी निकालने के लिए पानी बेच रही है और हम लोगों को सेवा दे रही है। तो हम लोगों का अब धर्म बनता है कि इस तरह से सिस्टर को हेल्प करना चाहिए। तो आप कभी आएंगे तो दुकान से नहीं परचेज करके इस तरह से जो लगा है दुकान, इसमें खरीद सकते हैं, जिससे इन सभी का भी मनोबल में वृद्धि होगा। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों आप एक तालाब, ये मंदार पर्वत के लगभग 400 फीट ऊपर है, और इस तालाब को सीता कुंड के नाम से जानते हैं। और इससे एक बहुत ही प्यारा सा कथा जुड़ी हुई है कि इसमें माता सीता अपनी केस धोई थी, और इसलिए इस तालाब का नाम सीता कुंड रखा गया है। और इसकी खास बात ये है कि ये 400 फीट ऊपर भी होने के बावजूद भी ये तालाब कभी सूखता नहीं है, और इसमें 365 दिन आपको पानी भरा पड़ा मिलेगा। और यहाँ पर जितना भी तालाब देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, अभी तो ये आपको पहला तालाब दिखाए हैं, और अभी चल के ऊपर और भी तालाब दिखाना बाकी है। तो ये जो तालाब है इसके पानी का कलर देख सकते हैं नीला है, और ये नीला ही रहता है। और बहुत ही रोचक तथ्य है इसके बारे में कि ये पानी कभी नहीं सूखता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तालाब का भी बहुत ही अनोखा एक रहस्य है। दोस्तों सीताकुंड के जस्ट ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा आकाशगंगा, शंखकुंड और राम भरत के गुफा, और प्यारा सा जैन मंदिर, और जो कि हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में दोस्तों इतना ही, और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।